तो चलिए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज की ताजा मौसम समाचार अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दी दस्तक। केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी। जी हां, दो दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक देकर देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। अगले 24 घंटों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान जताया जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में कुछ भागों, पांडिचेरी और एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के मौसम के दौरान सामान्य से लेकर सामान्य से ऊपर बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल में बारिश के साथ ही IMD ने 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार उत्तर भारत में मानसून में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिन तक तेज हवा बारिश होने की संभावना है। वहीं देश भर में भी कुछ मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्व मध्य अरब सागर और उससे सटे क्षेत्र पर बना हुआ है। इसके चलते अगले कुछ घंटों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में हल्की आंधी, बादलों की गर्जना और बारिश होने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कैसी होगी और साथ ही कहां पर भारी और कहां पर मध्यम बारिश होगी, आपको बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और रायल सीमा में तेज बारिश हो सकती है। उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जना की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात क्षेत्र में हल्की बारिश होती है। दोस्तों मौसम की ताजा अपडेट के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।